केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने कुछ वर्तमान और रिटायर्ड नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सरकार से मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। इसमें नीति आयोग के पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी शामिल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना और आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव रहे रविंद्र प्रसाद के खिलाफ भी सीवीसी ने वित्त और कार्मिक मंत्रालयों से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। मामला 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB द्वारा INX मीडिया को करीब 305 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता से जुड़ा है। उस समय यूपीए की सरकार सत्ता में थी और पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहे हैं। 15 मई 2017 को इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में कई वर्तमान और रिटायर्ड नौकरशाहों की भूमिका का पता चला है, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत है। इस मामले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी जांच के दायरे में हैं। जांच के घेरे में आई सिंधुश्री खुल्लर 2004 से 2008 तक आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थी। 2015 में उन्हें नीति आयोग की सीईओ बनाया गया था। अनूप के पुजारी 2006 से 2010 तक संयुक्त सचिव थे, जबकि प्रबोध सक्सेना ने 2008 से 2010 तक विभाग में निदेशक के तौर पर कार्य किया था। INX मीडिया पर एक समय पीटर और इंद्राणी मुखर्जी का स्वामित्व था, जो मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में प्रमुख आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।